गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। सो गाइज, आज हम आए हैं फार्म्स में बहुत दिनों बाद सिस्टर्स के साथ, और ये मेरी सिस्टर है। हाय वन। हाय। हम शूज़ बड़े कंफर्टेबल लग रहे हैं, और हम आज बहुत मस्ती करने वाले हैं। तो इतना ही, आप हमारे साथ स्टे ट्यून विद अस। और ये वाला फार्म किसका है? गायकवाड़? नहीं, ये क्या है? बैगन। बैगन, बैगन का फार्म है ये। ये बड़ा बैगन। सो गाइस, ये था संतरे का फार्म, और यहाँ पे हम सब फोटोज ही निकाल रहे थे। क्यूटीज, और मैं भी थोड़े फोटोशूट की बैठ के वगैरह। देखना सगड़े फोटोज। ये झूला था जो बहुत ही, मतलब कच्चा था ये, इसमें अच्छे से झूल नहीं सकते थे, बट फिर भी हम ये संतरे का फार्म है, और ये इधर है कापूस का। हम सब बहुत थक चुके थे लास्ट में, पूरे पसीने से लथपथ हो चुके थे। देन उसके बाद हम घर के लिए निकले। वही घर, मतलब वहाँ पे जो रहते हैं उनका घर था। अभी हम सब ने यहाँ हमारे छोटे पप्पा के घर में आए हैं, पुराना वाला घर था, और ये ऐसा है, यहाँ पे हमारी बहुत सारी यादें हैं, बहुत मज़ा आ रही है। बहुत सारी यादें नई, पुरानी वाली नई हो गई है। Guys, this is lunch time, और हमारा लंच है। हम सब रेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ठंडा लग रहा है। उसके बाद हम दूसरे फार्म में गए, वो भी कॉटन का है। तो यहाँ पर कॉटन की खेती होती है। अभी हमारा प्लान बना था कि वो वहाँ जो दूर फार्म हाउस है वहाँ जाने वाले थे हम। फार्म हाउस है बोलना, वो क्या है? हॉन्टेड फार्म हाउस। हॉन्टेड फार्म हाउस, पर क्या करे, इसका सोल टूट गया है शूज का। हम सब ने अपना प्लान ही कैंसिल कर दिया। आज अपन यूट्यूबर था सर। सो गाइस, इसके लिए प्रे करो कि इसका सोल जल्दी ठीक हो जाए। प्रे प्रे नहीं करना पड़ता इसको, सिलाई करना पड़ता है। उसके बाद हमने थोड़ी सी प्लांटिंग की। ये आम का पेड़ है जो लगाया, सभी ने एक एक पेड़ लगाया। सो ये मेरा है, मुझे याद रहेगा, ये थोड़ा बहुत कंपाउंड के पास है इसलिए। और ये पेड़ पहले लगाया हुआ था, उसको हमने पानी दिया। ये बस शो का पेड़ है, क्यूट दिखता है। या बोरे थोड़ा बोरे झाड़े वांगे झाड़े।